कोरोना संकट और बढ़ती महंगाई के बीच मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। करीब 1.5 साल से भी ज्यादा समय से अपने बढ़े हुए डीए और बकाए का इंतजार कर रहे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिली है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटाने का फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय आज लिया है, उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है, यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इस तरह डीए में कुल 11% का इजाफा हुआ है। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। जाहिर है मोदी सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल से ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत पर रोक लगा रखी थी। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार की ओर से 1 जनवरी 2020 से डीओ को रोक दिया गया था। बाद में इसे 1 जुलाई 2021 तक रोका गया। लेकिन अब जब डीए को लेकर केंद्रीय कैबिनेट में फैसला हुआ है तब सितंबर से कर्मचारियों को फिर से इसका फायदा मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021 और जुलाई 2021 का महंगाई भत्ता मिलना है। केंद्र सरकार ने पहले जनवरी 2020 में महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाया था, फिर से इसी साल जून 2020 में डीए में 3% की और बढ़ोतरी की गई। इसके बाद जनवरी 2021 में 4% डीए बढ़ाया गया था। ऐसे में महंगाई भत्ते में कुल 11% का इजाफा हो गया है। महंगाई भत्ते की ये तीनों एरियर कर्मचारियों को 3 किस्तों में दिए जाएंगे। महंगाई भत्ता सैलरी का एक हिस्सा होता है, ये कर्मचारी की बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है और इसे समय समय पर बढ़ाया जाता है। महंगाई भत्ते का फायदा रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलता है। महंगाई भत्ता बढ़ने से आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी ये पता करने के लिए आपको अपनी बेसिक सैलरी चेक करनी होगी। कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से बेसिक सैलरी पर ही 11% डीए बढ़ाकर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए की 3 किस्तें आनी बाकी थी, लेकिन कोरोना संकट के दौरान सरकार की ओर से डीए पर रोक लगा दी गई थी और अब डीए बढ़ने के बाद कर्मचारियों को बंपर सैलरी आने की उम्मीद है। कोरोना काल के बीच अर्थव्यवस्था कमजोर है और बाजारों में कमाई भी कम है। इस बीच महंगाई का बोझ भी लोगों पर पड़ रहा है। जून में होलसेल प्राइस इंडेक्स घटकर 12.07% पर आ गया है, जो कि मई में लगातार 5वें महीने बढ़कर रिकॉर्ड 12.94% पर पहुंच गया था। वहीं जून 2020 में थोक महंगाई दर 1.81% थी। देश में खुदरा महंगाई दर लगातार 2 महीने भी 6% से ऊपर दर्ज की गई है। एक तरफ डीजल और पेट्रोल जनता की जेब पर भारी पड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ किचन का बजट भी बिगड़ता जा रहा है। खाने के तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। दाल तो आम आदमी की थाली से गायब होती जा रही है। महंगाई की मार ने आम आदमी की जेब ढीली कर दी है, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले से महंगाई का बोझ उठा रहे केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ राहत जरूर मिल सकती है।